हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, मैं सुबह सुबह शेयर कर रही थी। एंड यहाँ पे ना मैं ऑयल बना रही थी रियांश की ऑयलिंग के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, सरसों का तेल लेती हूँ एंड उसे 60-70% कुक करने के बाद ना उसमें कटा हुआ 3-4 पीस लहसुन के एंड थोड़ा सा अजवाइन डालती हूँ। एंड उसके बाद लो फ्लेम पे ना उसे ब्राउन कर लेती हूँ। अभी ठंडा होने छोड़ दिया उसको एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ रियांश के कपड़े उतारने। अभी वो देख रहा था टीवी। ऑयलिंग के टाइम पे उसको ऐसा होता है कि वो टीवी देखता है ना तो उसको मज़ा आता रहता है एंड वो अच्छे से ना मसाज करा लेता है। तो मेन चीज़ यही है, विंटर्स हैं, सरसों के तेल से बहुत अच्छी मसाज हो जाए ना अगर बच्चों की तो बढ़िया रहता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने ऑयलिंग अपनी फिनिश कर ली है, बस लास्ट के 2-3 मिनट में ऐसे ही टाइम पास करी थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और मुझे याद आया अचानक से, मतलब कि व्लॉग तो मैंने किया ही नहीं। एंड इसको पता है मैंने क्या किया, कैमरे को ना फ्लिप करके रखा था, इसको ना स्क्रीन पे अपना फेस दिख रहा था एंड ही वॉज सो हैप्पी। आप देख रहे हो अभी अपने आप को देख देख के कितना मुस्कुरा रहा है एंड ये एक्सप्रेशंस दे रहा है क्योंकि इसको स्क्रीन में खुद को दिख रहा था, तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। एंड वहाँ पे ऊपर चल रहा था टीवी, तो टीवी की रैम्स सुनता रहता है एंड ऑयलिंग की मसाज बहुत इंजॉय करता है। एक्चुअली मैं ना रूम बंद कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लोअर ऑन करके टेम्परेचर को अच्छा रखती हूँ एंड फिर मसाज करती हूँ, तो रूम का टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल होता है। और डायपर को उतार के मैंने मसाज की थी, सेम डायपर मैंने पहना दिया था क्योंकि इतना यूज्ड नहीं था। और मसाज करने के कम से कम मिनिमम 20 मिनट तो मैं रखती ही हूँ नहलाने के बीच का गैप, बाकी कई बार डिपेंड करता है जैसे सो जाता है या फिर जो भी चीज़ है। एंड उसके बाद मैं हाँ करती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज इस तरीके से। ये वाली एक्सरसाइजेस करने से ना बच्चों की जो गैस है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है एंड उनका ना स्टमक बिल्कुल फ्री फ्री रहता है। तो हाथ की, पैर की एंड उसको ना थोड़ा सा नेक मसाज देती हूँ मैं, बहुत इंजॉय करता है वो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे उसको कपड़े पहनाने के बाद आ गई हूँ नेल कटिंग करने के लिए। वो ना आराम से नेल कटिंग करा लेता है। और अभी ऑयलिंग की हुई है, मतलब मैंने सिर्फ कपड़े पहना दिए हैं ऐसे ही। एंड उसके बाद अभी आ गया है इसका थोड़ा सा ओट्स खाने का टाइम, इसने कुछ खाया नहीं था एंड यहाँ पर चल रही है इसकी मस्ती साथ में। तो अभी सब कुछ हो गया है, इसका ऑयलिंग हो गई है, नेल कटिंग हो गई है एंड खाना पीना हो गया है। मेरी मेरी लग रही है मशीन एंड मैंने स्टार्ट कर दिए कपड़ों को फोल्ड करना। जो कल वाले कपड़े थे वो फोल्ड कर दिए, वरना पता है यार बढ़ते चले जाते हैं कपड़े, जिस स्पीड से बढ़ते हैं ना आई कांट टेल यू, मतलब बहुत बढ़िया वाली स्पीड है। अगर एक दिन आप फोल्ड नहीं करते हो तो वो डबल हो जाता है पिटारा आपका। तो बस मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, साथ में मशीन लग रही है एंड रियांश यहाँ पे अपनी राइम्स इंजॉय कर रहा है और अपना खाने को ना डाइजेस्ट कर रहा है। और आज टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था तो मैंने सोचा था कि अगर ये सो जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब विंटर्स है तो जल्दी नहला देती हूँ मैं, 12:30-1 बजे से पहले नहला ही देती हूँ। तो अभी लेकिन टाइम था तो मुझे लगा था कि कोई टेंशन नहीं है, अगर ये सो जाएगा तो इट्स ऑल राइट। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। एंड आप लोग बताओ क्या चल रहा है, क्या क्या करते हो। रियांश को ना भी थोड़ा सा हो रहा था कि खाने के बाद ना नींद जैसा आना स्टार्ट हो गया था एंड जब उसे नींद आती है ना तो वो इस तरीके से मेरे पास आता है कि भाई मुझे सुला दो। तो बस मैं उसको यहाँ पे सुलाने की कोशिश करते हुए, हालांकि अब तो ना जल्दी सो जाता है, पहले बहुत टाइम लेता था, अब तो यह है कि इट्स सो ईजी कह सकते हैं। तो रियांश को सुला दिया है, मशीन लग रही थी मैंने आपको बताया था ना, तो बस वो कपड़े मैंने ड्रायर किए हैं एंड उनको स्टैंड पर डाला है। बाकी स्टैंड बहुत यूज़फुल है यार ये वाला, इसमें इतने ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं एंड सूख भी जाते हैं। अभी धूप नहीं आ रही है इतनी तो 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में सूख जाते हैं। मैं फ़ैन चला देती हूँ बाहर का बॉयल करने का तो सूख ही जाते हैं, बट कपड़े बहुत अच्छे खासे आ जाते हैं इसमें। कम कपड़े थे तो मैंने थोड़ा फैला फैला के डाला था आज। तो बस ये हो गया। एंड इसके बाद अभी क्योंकि रियांश ना सो रहा है तो मेरे टारगेटेड काम जो रहते हैं ना वही करने जा रही हूँ, जैसे कि उसकी बॉटल को बॉयल करना एंड उसकी बॉटल को मैं वॉश करती हूँ टंकी के टैप वाले वाटर से, एंड जो बॉयल करती हूँ वो करती हूँ RO वाटर में। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पीजन का लिक्विड सोप क्लीनर है, मतलब बॉटल क्लीनिंग के लिए वो, एंड ये जो ब्रश है ना ये उसकी बॉटल क्लीनिंग का ही है। तब तक रियांश भी उठ गया था थोड़ी देर के बाद एंड उसको 5-7 मिनट खिलाया एंड फिर हम लोग आ गए हैं उसको नहलाने के लिए। ये उसका फेवरेट टाइम होता है।
और अभी क्योंकि विंटर्स है ना, तो मैं क्या करती हूँ, टब में बिठा लेती हूँ एंड उसकी ड्राई शीट लगा लेती हूँ नीचे। बाकी फिर पानी जो आता रहता है ना, उसको खड़ा करके नहला लेती हूँ। पहले मैंने उसको खड़ा करके पूरा साबुन से अच्छे से नहला लिया था। पानी जो आता रहता है वो थोड़ा ल्यूक वॉर्म रहता ही है, तो मैं उसको बैठा के उसमें नहलाती रहती हूँ। उसके बाद पूरा वॉश कर देती हूँ उसे दोबारा से, एंड उसके बाद उसे साफ पानी की बाल्टी में बैठा देती हूँ, एंड लास्ट में एक और बार टैप वाटर से पूरा अच्छे से नहला देती हूँ। क्योंकि अभी ये प्ले कर रहा है तो मैं इसको ना मज़े से प्ले करने दूंगी। बहुत अच्छा लगता है इसको, इंजॉय होता है एकदम इसका। कैसे हो आप सब लोग? विंटर्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली NCR में? तो ना एकदम कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, एंड क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है और विंटर्स में ना आजकल फैशन और स्टाइल बहुत चेंज हो गया। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था कि भाई विंटर्स में आप इतना फैशन कर सको, स्टाइल कर सको, बट आज के टाइम पे क्या आपको वूलन ड्रेसेस, वूलन को सेट्स, सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा विंटर हॉल लेकर आते हैं अमेजोन का, ना आप लोगों के साथ कुछ बढ़िया से प्रोडक्ट शेयर करते हैं। ओके, सो ये आपने देखा होगा बहुत ट्रेंडिंग में, वॉर्म थिक फ्लीस वाली जो लेगिंग्स चल रही है ना, ये बहुत ट्रेंडिंग में है। एंड ये क्या होता है, स्पेशली डिजाइन होती है इस तरीके से, मतलब आपका फुट पूरा कवर हो जाएगा, फिंगर से लेके आपके वेस्ट तक की होती है। एंड अभी आपको लग रहा होगा, अरे यार वेदिका इतनी पतली तो तेरे नहीं आएगी। एक्चुअली मैं मुझे भी लगा था कि यार ये कौन सा साइज भेज दिया, ये तो मेरे नहीं आने वाली है, बट यार ये इतना स्ट्रेचेबल है, इतनी स्ट्रेचेबल है। एक्चुअली में यही साइज होता है इसका, दिस इज फ्री साइज, और ये जो फिटिंग में आती है ना, अमेजिंग। और मेरे को यही आती है मैं इसे देख के शॉक्ड हो गई थी। बेसिकली ये ना बहुत ही ज्यादा थिक क्वालिटी में है, एंड इसमें अंदर ना इस तरीके से पूरा फ्लीस लगा हुआ है जो बहुत सॉफ्ट एंड बहुत वार्म करता है। एंड क्योंकि आगे से पूरी क्लोज्ड है ना, तो आप इसे पहनोगे ना तो एकदम लगेगा कि बिल्कुल हवा आर और पार कुछ नहीं होगा। एंड एक ये लिया है, एंड इसके साथ मैंने लिया स्किन कलर का। स्किन कलर में क्या होता है, हम कोई भी ड्रेस डिजाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं, एंड उसमें हमें लगता है कि यार ऐसा कुछ पहनते कि हमें लगा अरे हम तो फैशन क्या हुआ है, तो आप उसमें ना स्किन कलर ट्राई कर सकते हो। स्किन कलर से क्या होगा, ऐसा लगेगा कि आपने ऐसे कुछ लाइक पहना ही नहीं है। एंड इसके ऊपर आप अलग से स्टॉकिंग्स आते हैं वो नेट वाले, डिजाइन वाले, पर्ल वाले ना, वो वेयर कर सकते हो। तो क्या होगा कि आप फैशन भी कर पाओगे एंड आप लाइक ऐसे अपना एंजॉय भी कर पाओगे, ये नहीं लगेगा सुकड़े सुकड़े जा रहे हो। तो ये मैंने एक स्किन कलर का लिया था एंड मैंने किया था ब्लैक कलर का। अच्छा ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अभी क्योंकि विंटर्स हॉल है तो हम शेयर करने वाले हैं एक लेवेंडर कलर की स्वेट शर्ट, क्योंकि लेवेंडर कलर बहुत ट्रेंडिंग में, मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे लेवेंडर कलर देखना। सो ये बहुत ही प्यारी सी लेवेंडर कलर की स्वेट शर्ट है, और इसका जो कलर है ना वो बहुत ही सूदिंग सा लेवेंडर है, ऐसा नहीं है बहुत ऐसा एकदम आंखों को चुभने वाला लेवेंडर नहीं है। इसका टर्न हॉल भी मैंने आपको दिखाया, बहुत ही प्यारी सी है। इस विंटर आप इसको अच्छे से डिजाइन करके खूब एक्सेसराइज करके पहन सकते हो एंड बड़े फंकी लुक्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसको आप डेफिनेटली लेना क्योंकि लेवेंडर कलर बहुत ट्रेंडिंग में है। ओके, सो क्योंकि चल रहा है विंटर हॉल तो जैकेट लेना तो बनता ही है, अभी विंटर्स हैं, कुछ भी पहन लो बट जैकेट इज जैकेट। तो मैंने ना बहुत ही प्यारे से मस्टर्डिश कलर में, मस्टर्ड प्लस मिट्टी कलर का एक मिक्सचर होता है ना, उस कलर में जैकेट लिया। एंड ये इतनी लाइट इन वेट जैकेट है, इस तरीके से आगे इसमें लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसे इलास्टिक ताकि आपके हाथों में ऐसे ग्रिप बनी रहे। एंड ये कैप वाला हुडी है इसमें, और डिटेचेबल है, इसमें चेन लगी हुई है, आप इसे डिटैच कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। एंड इसकी फिटिंग बहुत ही प्यारी है, कि इसका कलर डिजाइन पैटर्न इज जस्ट अमेजिंग। एंड इसकी जो पॉकेट्स है ना आगे, तो उनपे इस तरीके का ना यहाँ पे चेन लगा हुआ है पतला सा, तो आप चेन लगा सकते हो। सो ये जो जैकेट है ना, ये अराउंड 900 समथिंग की थी, एंड ये उस हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी में है, वार्म रख रही है एंड लाइट इन वेट है, और कलर तो बहुत प्यारा है ये। सो यार इसका ट्रेंड हॉल मैंने आपको दिखाया ना, चेकआउट कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, सो हम बात कर रहे थे लेवेंडर कलर की, एंड लेवेंडर कलर की बात अगर हो तो इंडियन वियर इज समथिंग जिससे मुझे ना प्यार हो चुका है। आप कुछ भी पहन लो बट जो लुक इंडियन वियर में आता है वो कहीं नहीं आता है, जो लुक बिंदी में आता है वो कहीं नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग कॉमेंट करना आपका क्या कहना है इस बारे में। सो मैंने ना एक सूट लिया है लेवेंडर कलर का, एंड इस सूट के साथ में बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो हम देख लेते हैं सूट को। सो बेसिकली सूट है बहुत ही प्यारा लेवेंडर कलर का, एंड इस पर व्हाइट कलर के ना इस तरीके के डॉट्स टाइप हो रहे हैं। 3/4 इसकी स्लीव्स है जिसको मैं 1/4 कराने वाली हूँ डेफिनेटली। एंड लॉन्ग सूट है, ऑल ओवर सूट है, बहुत ही प्यारा सूदिंग सा ऑल ओवर बहुत प्यारा सूट है। इसको जितना आप एक्सेसराइज करोगे ना उतना ये क्लासी लुक देगा। बहुत लाइट है इसलिए आप एक्सेसराइज अच्छे से कर सकते हो। इसका मैं हॉल मतलब मेकअप लुक शेयर करूंगी इसके साथ। एंड इसके साथ मिल रहा है आपको ये पैंट, एंड ये सेम इस पैटर्न पे है ऑल ओवर। अभी तक मैं एक्सेल साइज ही लेती थी हमेशा, मैं आपको बताती हूँ अपने हॉल्स में, बट ये जो मैंने एक्सेल लिया ना ये सब कुछ लूज आया है। अभी मैं शिफ्ट हो गई हूँ L साइज पे,
तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है ये कि मैं एल साइज पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। दिस वॉज इन द साइज XL एंड आप देख रहे हो कितना ज्यादा लूज में आया है। मैंने ट्रायल हॉल में शेयर किया ये अच्छा खासा ना लूज आया है मुझे। तो भैया बधाई हो, हम एल साइज में आ चुके हैं अपने। एंड टारगेट तो है यार एम में थोड़ा सा मतलब से खिसकने का, बट कोई ना, चलो फिर हॉल को फिनिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड सारी जो चीजें ना वो बहुत ही बढ़िया, आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा बिना किसी डाउट के। चलो फिर अभी आगे वाले ब्लॉग को एंजॉय करो एंड कॉमेंट करो ब्लॉग कैसा लगा, हॉल कैसा लगा, बाय। और हाँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना सारे लिंक्स को। बाय, हैप्पी लोहड़ी गाइस, आप सबको लोहड़ी की बहुत सारी नहीं लख लख बधाइयां जी। और लोहड़ी का टाइम हो गया है, लोहड़ी को वो आग जो लगाते हैं ना उसमें अभी 8:25 हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में लोहड़ी हो रही है। एंड पहले तो प्लान था कि भैया पूरे एकदम तैयार व्यार होके जाएंगे पूरा एकदम ऐसे। आज से ना 2 साल नहीं 3 साल पुरानी जो लोहड़ी हुई थी ना बिफोर कोविड जो हुई थी उसमें पूरा मैं तैयार व्यार होके गई थी, उसका एक पिक्चर लगा दूंगी। एंड वहां से ना मैंने लाइव भी किया था, मुझे अभी तक याद है। एंड प्रॉपर व्लॉग भी बनाया था, व्लॉग भी डालूंगी। बट इस बार तो भैया ऐसे मतलब आपको मैं वेलकम ही चैनल पे ना अभी कर रही हूँ सुबह से। एक्चुअली में क्या हुआ, सुबह सारी चीजें करने के बाद ना पता नहीं क्यों ऐसे नहाने धोने के बाद ना थोड़ा सा मैं लो हो गई। कैप लगा के जाओगे हैं, ज्यादा विंटर नहीं दिख रही बाहर, पता बिल्कुल हवा नहीं है अंदर ज्यादा ठंड है। थोड़ा सा पता नहीं कि मैं लोगे इसको, शूज तो बनाओ, इसके सैंडल बना दो, क्रॉक्स। क्या देख के आओगे, ठंड नहीं है बाहर तो थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई मैं थोड़ा सा लो हो गई। एंड मैं अभी जल्दी से थोड़ा सा क्या किया है, फटाफट से ढोल की आवाज आई ना मेरा, सच बताऊं तो बिल्कुल 1% भी मन नहीं था जाने का। पता नहीं ऐसे थोड़ा सा हो रहा था कि यार नहीं लेट जाओ थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, बट वरुण वॉज लाइक नहीं चल 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 चल। तो बस मैं इसीलिए ही जा रही हूँ क्योंकि वरुण ने मुझे इतना ज्यादा इंसिस्ट किया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने कुर्ता वुर्ता सूट वूट तो डाला नहीं है, मैंने डाला है ये वाला स्वेट टी शर्ट या स्वेट शर्ट जो मैंने लिया था पता नहीं कहाँ से, मुझे याद भी नहीं है। सो ये बहुत ही क्यूट सा है। एंड इसके नीचे मैंने ब्लैक जीन्स डाल ली है और शूज डाल लिए हैं अपने वो स्पार्क वाले, और ये बस ओवरकोट डाल लिया। एंड दैट्स इट। रही बात मेकअप की तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल वो अपना वही जो मेरे एक BBCC क्रीम है ना वही लगाई है। थोड़ा सा आइस को कंसील कर लिया क्योंकि थ्रेडिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो हल्का सा आइस को कंसील किया है और बस लिपस्टिक लगा ली, दैट्स इट। नो मेकअप, मतलब कोई मेकअप ही नहीं है। एंड बाल थोड़े से खोल लिए ताकि थोड़े से शक्लें से सही लगे, 12 ना बजे रहे मेरी शक्ल का हर टाइम। और घर की आदत मैं दिखाई नहीं सकती, मतलब मैंने रियांशु यहाँ पे थोड़ा टॉयज दिए खेलने के लिए, उसने वो फूल की माला लटक के तोड़ दिया है, तो पूरे घर की हालत ने ये देखो खिलौने ये वो चप्पल कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हर टाइम 24/7 फैला रहता है। एंड आज क्या हुआ, मैं रियांश को नहाने धोने के बाद पार्क लेके गई ना, तो पार्क में हम लोग सिर्फ थोड़ा सा झूला झूला ही था मेरे कुछ को 2 बार। एंड बारिश आना स्टार्ट हो गई तो मैं इतनी स्पीड में उसे घर लेकर आई, और जो मैं घर में घुसी हूँ उसके बाद मैंने ये भी बाहर निकल के नहीं देखा कि बारिश आ रही है दोबारा यानी। हाँ चलो, और रियांश ने क्या पहना है, रियांश ने तो सुबह से यही पहना हुआ है अपने कपड़े, तो शॉल उड़ के जाएगा। शॉल इसकी कैप का है, इसकी कैप का है, वो NYX वाली जो है ना वही है, पता नहीं कौन सी है, बाहर ही होगी। तो रियांश आपने सबसे हेलो किया, रियांश को ना क्लचर मिल गया, हेलो करा रियांश, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, चले चलो 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 चलो।
गए घर हम वापस, एंड अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 बजने में ना, 10 मिनट में बहुत सारा थैली भर के प्रसाद लेकर आए हैं, रेबड़ी मूंगफली पॉपकॉर्न। और वरुण का तो किचन में खड़े होके भैया प्रसाद का चल रहा है ईटिंग प्रोसेस चल रही है, खाते पीते। और ये देखो ये हमारा प्रसाद आ गया, आप लोग भी लो, सब लोग प्रसाद खाओ, इसका अलग चलता रहता है। ये वरुण ने किया, देखो चिप्स के हाथ लग गया। यांशी क्या है, व्हाट इज दिस? तो हैप्पी लोहड़ी सभी को, और आई होप आप सबकी लोहड़ी बहुत अच्छी गई होगी। हमने तो मजा किया वहां पे जाके, खूब डांस वांस किया और बड़ा मजा आया। अभी इस लोग को फिनिश करते हैं। थैंक यू बोला आप मेरे को, आपने थैंक यू नहीं बोला मुझे। क्यों? मैंने आपको फोर्स किया था चलो भाई जल्दी, इसलिए मैंने बराबर कर दिया, मैंने आपको डांस के लिए बुलाया ना। और रियांश नीचे उधम मचा रहा है, रियांश का फेवरेट काम है ये लो हैप्पी लोहड़ी। अब कॉफी मत करना मुझे, तो मैं आपको चाय पिला दूंगा, कॉफी नहीं हुआ। रियान देख रहा है ये क्या हो रहा है। थैंक यू पुचू, रियान हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। पुचू सिर्फ खाने के लिए आ करता है, खा लिया। चलो इस वाले ब्लॉग को नहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और कमेंट्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब बाय।